पाकिस्तान की तशरीफ लाई। तो अब आपके क्या इरादे हैं, आप हमें कहा जाए क्या हिंदुस्तान के साथ दोबारा से ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे? और एक सवाल था ट्विटर के हवाले से, पाकिस्तान में जो ट्विटर या एक्स है उसको बंद किया गया है, उस पर देखिए एक तो जो फ्री साहब आपने फरमाया इंडिया के साथ, देखिए कोई भी नेबरिंग कंट्री जैसे मैंने कहा उन्होंने जो अगस्त 2019 में जो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लॉ अमेंड किया वो दैट इज़ वेरी पेनफुल और वो डिस्प्यूट जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्यूनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20-23-24 का, तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको हाँ या ना में जवाब इंस्टेंटली नहीं दे सकता क्योंकि इट रिक्वायर्स कंसल्टेशन और ये मुझे ब्रसल्स में भी ये सवाल हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको हम उसी तरह देखेंगे। ट्विटर के हवाले से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मिली है। मैं तो वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ ट्विटर ट्वीट वगैरह करने के लिए, मेरी चली जाती है, जाती स्लो है। बट कल मुझे हाई कमीशन साहब के अपना गेट टुगेदर इन्होंने रखा था एक यहाँ के जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के और कुछ पाकिस्तान में बिग बिजनेस हाउसेस तो उनके हवाले से, तो उनमें से एक ने मुझे क्योंकि दैट एक्चुअली इट्स अ ब्रॉडर थिंग, वो कह रहे हैं जी उसकी वजह से जो हम को 1000 बंदे एम्प्लॉय किए पाकिस्तान में और जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, वो अब मैं कहते हैं मैं क्या जाके गो एडिडास को या एक्स वाई जी बड़ी कंपनी को जी वहाँ चूँकि स्लो है तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो ट्विटर इज एक्चुअली ए सेम इशू विद इन दैट, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख के प्रॉब्लम सारी दे, ये मुझे भेज रहे हैं इंशाल्लाह मंडे को एंड आई विल टेक इट अप, उसको देखेंगे। ये आपको पता है कि इसका जो अब्यूज है जो मिस यूज है वो दैट हैज ट्रिगर्ड अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे कि हमें हदायत आ जाए, हमने पता नहीं कौन सी कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान को नहीं निकलने देना बाबर से।